आखिर क्या कारण है अवैध मिट्टी खनन पर नहीं लग रहे हैं रोक। नमस्कार, मैं हूं उत्सव और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज 24x7। खबर यूपी के रायबरेली से, जहां क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन करने वाले माफियाओं का बना चर्चा का विषय। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से, जहां लालगंज क्षेत्र में प्रतिबंधित पेड़ों की कटान और अवैध मिट्टी खनन जोरों पे जारी है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर बिल्कुल अनजान लग बैठे हैं। अवैध मिट्टी खनन वाली जगहों पर बीते दिन बरसात हो जाने से तालाब की स्थिति उत्पन्न हो गई है। खनन निरीक्षक ने कभी भी लालगंज क्षेत्र न आने से इसकी कार्यशैली भी संदेह के घेरे में। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अवैध मिट्टी खनन करने वाली जगहों पर बीते दिन बरसात हो जाने से तालाब की स्थिति उत्पन्न हो गई है। खनन निरीक्षक ने कभी भी लालगंज क्षेत्र न आने से उनकी कार्यशैली भी संदेह के घेरे में। उल्लेखनीय है कि ऐसा इहार के सुल्तानपुर, जाला, मधुकरपुर, इहार, गरपुट, सौताना, रमऊ, बरा, बसंतपुर, कठुईया आदि क्षेत्र में लंबे समय से मिट्टी खनन जारी है। वर्तमान में मंडी समिति लालगंज के पीछे कोहरिया ग्राम सभा में थोड़ी थोड़ी दूर पर कई जगह से मिट्टी खनन किया गया, जिसके वजह से मिट्टी खोदी गई थी। वहां पर बरसात का पानी भर जाने के कारण तालाब की स्थिति बन चुकी है। एक ओर सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए बड़े कदम उठाए थे, लेकिन स्थानीय अधिकारियों की मनमानी के चलते इन खनन माफियों पर कोई कार्यवाही नहीं होती दिख रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट रायबरेली से।